यह है बादाम। तो आज हम बादाम घोटेंगे और बादाम घोटना कैसे है, ये हमारी कुंडी है। ये नीम का सोट्टा है ना भाई साहब, ये नीम का सोट्टा है, काफी बड़ा है। इसको घोट घोट के पीना है, मतलब ये घिसते जाएगा इसके कुंडी में और ये बॉडी के अंदर जाते जाएगा। और नीम के बेनिफिट बहुत है, बहुत, मतलब नीम को तो वैद की उपाधि दी गई है कि ये वैद है, इतने सारे हैं। और बादाम सब जानते हैं कि कितना बेनिफिटेबल होता है। ये पत्थर घिसता नहीं है, ये पत्थर बहुत ही, मैं बचपन से इस कुंडी को यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन आप लगा लो कि 20-25 साल से इस कुंडी को यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे की ऐसी ही है। तो अब घोटते हैं इसको, ये बादाम भी अंदर डाल लेते हैं। यहाँ पर पहले से मैंने थोड़े बादाम कूट दिए हैं, अब इनको कूटना है, फिर मैं दिखाता हूँ आगे कैसे। ये दूध निकालने में 15-20 मिनट लग जाएगा आपको। नीम घिस रहा है और बादाम कुंडी नहीं घिसती है, बस नीम घिसते जाएगा और बादाम घिसते जाएंगे और फिर हमारा रेडी हो जाएगा बादाम का दूध, सर्वश्रेष्ठ दूध बादाम का दूध। बहुत दिनों बाद आज मैंने ये किया, नहीं तो छोड़ दिया था बेसिकली, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है ना। बट अगर आप सुबह जल्दी उठते हो और एक्सरसाइज भी कर लेते हो तो फिर चाहे वो जिम करने वाले हो, चाहे अकाड़ी की एक्सरसाइज करने वाले हो, जो भी हो, आपके लिए एक तरह से बॉडी का फ्यूल है, या यूं कहे अमृत है, सबसे बेस्ट दूध होता है ये। और बादाम कितने लेने हैं, जो भी कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो भाई 10-15 बादाम तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। फिर आप उसके बाद इसको क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि बादाम गर्म होते हैं, अभी गर्मी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बादाम रात भर भिगो, अगर आपको डाउट है ना, रात भर भिगो, फिर सुबह उसको छिलका उतार के या छिलके के साथ में उसको पीस लो, बादाम भी ठंडे हो गए और ये भी अपना रस भी मिल जाए आपको, इसका दूध भी मिल जाएगा। कैल्शियम का तो भंडार होता है इसमें। फिर आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, यानी याददाश्त पावर बढ़ेगी। यह बहुत ही अच्छा ये है, हमारे पूर्वज जो थे या हमारे वेद शास्त्रों में जो भी बताया है वो 100% सही था। ये तो हम ही लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वेस्टर्न कल्चर बुरा है, नहीं, वो अपनी जगह ठीक है उनके देशों में, क्योंकि ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो वो अपने कल्चर के हिसाब से अपनी चीज़ें बनाते हैं और वही भाई अपने हिसाब से सब सेट रखते हैं, उनका कल्चर उनके हिसाब से। अब भारत में, हमारे देश में क्या होता है, 4 ऋतुएं होती हैं, चाहे गर्मी लगा लो, सर्दी लगा लो, पतझड़ लगा लो और बारिश लगा लो। तो ये सारी चीज़ें जब होगी उस 4-4 महीने बाद मौसम बदलते रहेगा, तो उसके हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे जो भी वेद शास्त्र जिन्होंने लिखे उन्होंने खान पान का भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है भाई, कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है। मैं ये तो, मेरे पास ये प्रूफ तो नहीं है, बट मैंने आज तक देखा है जितने भी पहलवानों ने बादाम कूट कूट के, ऐसे बादामों को पीस के और दूध में मिलाओ और बढ़िया, नहीं दूध मिला कोई बात ही नहीं, इसका दूध क्या कम है, शरबत बनाओ, मैं अभी आपके सामने शरबत बनाऊंगा जब इसका, जब देखना ये शरीर में तरावट ला देता है पूरी, ऐसी तरावट कोई प्रोटीन पाउडर नहीं ला सकता, कोई सप्लीमेंट की टैबलेट्स ये वो लेना है जो भी लो, बट इसको भी एक बार ट्राई करके देखो, थोड़ी सी मेहनत तो है,
बट भाई साहब ये शरीर में बहुत दर्द, पर ये मैं अक्सर करते रहता हूँ, बीच बीच में छोड़ देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अगर बिजी बिजी हो गया तो छोड़ देता हूँ, अदरवाइज कभी नहीं छोड़ता। कुंडी के सोटा साथ में रहता है अपने, तो उनमें मैं मिसिंग थी क्योंकि कुंडी मालिक है गया नहीं मैं, और सोटा तो यही था, तो ये बॉम्बे में नहीं हो पाता था। हाँ हाँ मिक्सी थी मेरे पास में, मैं मिक्सी में कर लेता था, कर ले वो अभी भी कर लो, पर मिक्सी में वो अब ये मसल जो एक्सरसाइज हो रही है शोल्डर की और बैक मसल की, ये मिसिंग हो जाएगा ना। और जब आप ये बनाते हो तो आपके विचार क्या चल रहे हैं, किस भावना से बना रहे हो, एक तो रहता है भाई मुझे ये पता लग गया, और अब तो मेरा मतलब शरीर का कैल्शियम और एक मतलब इतना बेस्ट दूध मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो ये भी एक फीलिंग है, ये भी एक थॉट है जो आप इसके अंदर भरते जा रहे हो। यही तो रीज़न है कि जैसा जैसा हम सोचते जाते हैं वैसा वैसा होते जाते। अब ये सोच पे डिपेंड है कि भाई आप किस तरह से सोचते हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं यार इससे कुछ नहीं होता, वो उनकी सोच है, मैं तो मेरी सोच बता रहा हूँ कि भाई मैं ये इतने सालों से करते आ रहा हूँ, तो जिंदगी यू टर्न इस पे भी हो गई अपनी। तो मिक्सी से आ गए हम कुंडी सोट्टे पे, और बढ़िया भी भाई कुंडी सोट्टे पे, बस हाँ इसमें आप ऐसा कर सकते हो चटनी मटनी ना बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बादाम बादाम कूटने का ही रखो, नहीं तो फिर सब मिक्स मैच हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। और सोट्टा अगर लो तो नीम का ही लेना, नीम का हो सकता है, बड़ का भी होता है बहुत बढ़िया, पीपल का हो सकता है, ये तीन सोटे ही ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि सबको पता है ये तीनों के तीनों वेद माने जाते हैं, दवाइयों के वेद, तीनों में इतनी सारी खूबियां हैं कि किताबें नहीं लिखी इनके ऊपर। तो ये आपका काम है कि भाई कौन सा सोटा लेना है, कुंडी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी, थोड़ी बड़ी हो मेरे पास थोड़ी छोटी है क्योंकि तभी तो छोटे छोटे थे हम, बड़ी मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है, और भी अच्छे से कूट जाएगा। और किसी भाई को पता हो कहाँ मिलती है बड़ी कुंडी तो भाई मुझे बता दियो, मैं भी ले लूँगा, कमेंट करके बता देना तो मैं भी मंगवा लूँगा एक बड़ी कुंडी। बट यहाँ इससे एक लगाव है कि भाई इतनी पुरानी चीज मिल गई, काम चल रहा है। और दोस्त को एक रिक्वेस्ट और है भाई, वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वो बेल आइकन होता ना उसको जरूर दबाना, उससे होगा क्या जो इस चैनल पे जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है, फिर आप उसका लाभ उठा सकते हो। एक और चीज है मैं वो भी बनानी सिखाऊंगा, वो है गेहूं का दूध निकाल के खीर बनानी। जो लोग कहते हैं ना हम पतले हैं, मैं बोल रहा हूँ उसको आप वो खीर खिला दो, ज्यादा नहीं बस एक हफ्ते में रिजल्ट दिखने लग जाएगा, गाल भर जाएंगे उसके और ऐसा हो जाएगा धीरे 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 मोटा, मतलब खुद ही पता लग जाएगा कि भाई आप सही खा रहे हो गलत खा रहे हो, और शरीर में लगेगा। ये सिर्फ मोटा होने के लिए देसी इलाज है, मैंने अजमाया हुआ है बहुत लोगों पर, पतला होने वाला बाद में बताऊंगा। तो ये भाई बादाम हमारे कुट के ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं क्योंकि बहुत देर मैंने कुट ली है, अब इसका निकालेंगे हम दूध। तो ये लिया है मैं पानी, ये हमारा जिसमें हम छानेंगे छलनी, और ये तो मैं अभी छलनी यूज कर रहा हूँ, नहीं तो हम कपड़ छान कर देते, एक कपड़ा ले लेना अच्छा सा सूती कपड़ा, सूती कपड़ा ले लो, ठीक है भाई सूती कपड़ा लेके फिर आप उसमें वो छान लो, और छान कर न्यू ऐसे छान के अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं बताएंगे ऐसी बात जो मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की हुई है, ये सबको पता है कि पूरे भारत में सब पहलवानों को ये बादाम का दूध पिलाया जाता है। सुबह सुबह हम पीते थे तो भाई हम तो पीते थे इसमें क्या कहते हैं शरबत बना के, कुछ लोग दूध में डाल के पीते हैं,
बट फिर उससे मोटापा बढ़ जाता है। ये है भाई बादाम का दूध, दिख रहा है क्या कैमरे में? कैमरे में दिखाऊंगा, रुक जाओ। ये देखो, देख लिया भाई, है ना दूध, ये बहुत बेहतरीन दूध है। ये देखो, अब मैंने डाले थे 17-18 बादाम डाले थे, और इसमें और अभी बहुत गुंजाइश है पानी वानी डालने की। और अब आप इसका क्या करो, थोड़ी सी चीनी मिला लो, अगर किसी को शुगर प्रॉब्लम है तो मत मिलाना भाई, तो चीनी मिला लो। चीनी मिलाने के बाद शरबत सा बना कर और खाली पेट पियोगे एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा, एकदम बेहतरीन। अब एक ये चीज बचेगी इसमें से जो निकले ना बादाम के छिलके, ये देखो ये बादाम के छिलके हैं। ये कोई घर में दलिया वलिया बनाते हो, जैसे आज बनाया कल बनाया, मैंने बनाया दलिया, पर मैं आज नहीं बताऊंगा रेसिपी, कल बताऊंगा। तो ये बादाम के छिलके भी आप खा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ना इसमें गर्मी है ना कुछ है, ठीक है। और जितना ज़्यादा घोटो उतना बढ़िया है, अपनी घोटो तो नशा चढ़े वही काम है। और किसी भाई को भी अगर कोई क्वेश्चन है या मतलब कुछ पूछना हो, कितने बादाम कितनी उम्र के हिसाब से लेना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, या फिर ऐसे कौन से बादाम, गुलकंद बादाम होते हैं, पाकिस्तानी बादाम होते हैं, कश्मीरी बादाम होते हैं, बादाम तो काफ़ी तरह के हो, तो आप पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपको सही गाइडेंस दूंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ शेयर करना है। ये देखो भाई, यूं करके एक महीना पी के देखो, गर्मी में गारंटी दे रहा हूँ, अगर गर्मी हो जाए तो ऐसे पीने से, इस तरीके से। और बाकी तो सारे सब सभी भाइयों को पता होगा कि बादाम के कितने फायदे। आहा, क्या बात है भाई, मजे आ गए मजे। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। कमाल है भाई। चलो भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।